और तब से नाम पढ़ अब देखिए पगुधारी नाम था भगवान श्री रामचंद्र जी का। अब यहाँ पर कुछ लोग इस बात को झूठ मानते हैं कि ये बात सच नहीं है, तो दूसरी वाली भी सुन लो। कौन सी? अरे भृगु ने लात छाती पर मारी और तब ही से नाम पढ़ अब देखो पगुधारी नाम था भगवान श्री रामचंद्र का, जब से नारी अहिल्या तारी तब से नाम पढ़ो पगुधारी, और भृगु ने लात छाती पर मारी तब से कही टेरे पगुधारी। पगुधारी नाम था भगवान राम जी का, अर्थात सीता जी के पति पगुधारी राम जब रंग भूमि में आए तो देख रूप मोहे नर नारी। सीता जी को नहीं, राम जी को देख करके नर नारी मोहित हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये आदरणीय बड़े भैया दीपक कुमार रावत आपकी ओर से फल और 101 पुष्पमुद्राएं भागवत भगवान ने भेंट हैं, आशीर्वाद की कामना। अब देखो माताओं, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी को देख करके नर नारी मोहित हो गए। अब भैया स्वयंवर चल रहा है, कहाँ स्वयंवर चल रहा है? भरी सभा में। तो उसी समय जब स्वयंवर शुरू हुआ तो जनक जी बोले, भैया खूब मूछों पर ताव दे रहे हो, जाओ धनुष उठाओ। तो धनुष उठाने के लिए बड़े बड़े राजा आगे बढ़े, लेकिन अब देखिए भूप सहे सदस एक ही बारा और लगे उठावन टर ही न टारा। इसका मतलब क्या है? भूप माने राजा, सहस माने हजार, दस माने दस, एक ही माने एक, और बार माने होता है दिन। यानी एक बार में 10,000 राजा धनुष से लग गए, लेकिन लगे उठावन टर ही न टारा, किसी ने धनुष को नहीं उठा पाया। अब यहां पर शंका है क्या? तुम ही लोग विचार करो कि 10,000 राजन के यार 20,000 तो हाथ ही हो गए। अब सोचो धनुष कितना बड़ा रहा है। चलो वो छोड़ो, अगर धनुष टूट भी जाता तो सीता कह के जयमाला डरती का सबके डार देती, ब्याह तो एक ही तरह होता है। ऐसा नहीं था, इसी में अर्थ छुपा है। वारा, वार माने होता है दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, रविवार, शनिवार, रविवार। वार माने होता है दिन, अर्थात एक दिन में एक ही बारा एक एक करके 10,000 राजाओं ने कोशिश की, लेकिन लगे उठावन टर ही न टारा। 10,000 राजाओं ने जब धनुष को नहीं उठा पाया तो महाराज जनक अपने सिंहासन से खड़े हो गए, बोले वारे सभा के